जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज का मुख्य विषय होगा कि क्या साईं बाबा की तस्वीर पूजा रूम में रखनी चाहिए, क्या शिरडी वाले साईं बाबा की मूर्ति हमें पूजा रूम में रखनी चाहिए या पूजा कक्ष में रखनी चाहिए या पूजा स्थल में रखनी चाहिए, या देवताओं के साथ क्या साईं बाबा की भी तस्वीर और मूर्ति हम रख सकते हैं, हाँ या नहीं। आज का सवाल यही होगा, आज इसी के माध्यम से जानेंगे कि देवताओं की हम तस्वीर के साथ या फोटो मूर्ति के साथ साईं बाबा की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले वो जानेंगे कि साईं बाबा हैं कौन, क्या साईं बाबा भगवान हैं, क्या साईं बाबा ने कहा है कि मैं भगवान हूँ, कभी कहा है कि एको अहम द्वितीयम नास्ति, एक मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है। क्या संत रविदास ने कभी ऐसा कहा है कि एक मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है, कभी नहीं कहा ना। क्या महर्षि वाल्मीकि ने कहा या किसी भी महापुरुष ने कहा कि मैं भगवान हूँ? तो जब उन्होंने नहीं कहा तो उनकी हमें आदर करनी चाहिए, लेकिन भगवान के साथ हम उन महापुरुषों को स्थान नहीं दे सकते ना। उसी प्रकार साईं बाबा भी जो हैं वो शिरडी के एक संत थे और वो क्या कहते थे, सबका मालिक एक है। वो खुद बोलते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ और वो बताते थे कि सबका मालिक एक है, भगवान है, तो भगवान को मानो। जब खुद उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ तो हम लोग क्यों माने कि वो भगवान हैं, हम लोग ज़बरदस्ती का क्यों मान ले वो भगवान हैं और उनको भगवान मान के हम पूजा के स्थान में अपने देवताओं का अपमान करें? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गुरु शिक्षा देते हैं तो कभी भी छात्र का ये काम नहीं होता है कि गुरु के आसन पर बैठ जाए, और अगर हम किसी को बैठा देते हैं तो गुरु का अपमान करते हैं। उसी प्रकार देवताओं के स्थान पर अगर हम किसी महापुरुष संत रविदास या महर्षि वाल्मीकि या जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी तस्वीरें वहाँ जा कर रख दें तो हम देवताओं का अपमान करेंगे, हमको देवताओं के साथ उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसी प्रकार साईं बाबा की भी फ़ोटो मूर्ति तस्वीर देवताओं के साथ रखने से देवताओं का अपमान होता है, तो हमें साईं बाबा की फ़ोटो देवताओं के साथ देवताओं के कक्ष में या पूजा स्थल में या पूजा कक्ष में नहीं रखनी चाहिए। आपकी अगर उनमें श्रद्धा है तो आप अलग से उनकी फ़ोटो रखिए, आपकी श्रद्धा को नमस्कार है, पर आप उनकी तस्वीर को कभी भी देवताओं के साथ ना रखें। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखेंगे जय माता दी, जय माता दी।